यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब बहुत मजे से होंगे, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आज है संडे और आज से स्टार्ट हो रहा है वैलेंटाइन वीक। तो फर्स्ट डे इज द रोज डे। तो हम लोगों ने अपने लिए ये रोज परचेज किया है क्योंकि यही सबसे टिकाऊ रोज था। बाकी अगर असली वाला लाते तो वो खराब हो जाता, फिर हमें उसे फेंकना पड़ता, लेकिन ये हमेशा हमारे साथ रहेगा एज अ शो पीस भी और एज अ मेमोरी भी। तो अभी हम इसको इसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं, जो है ये यहाँ पे ये रखा रहेगा और हमें डेली आते जाते दिखता रहेगा। सो वंस अगेन हैप्पी रोज डे टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की क्या प्लान है आज के, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे क्या प्लान है वो मैं भी आपको बताती हूँ। आज है संडे और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे घर में ब्रेकफास्ट सिर्फ और सिर्फ संडे को ही बनता है। तो आज के दिन की शुरुआत होने वाली है ब्रेकफास्ट के साथ। मैंने शावर वावर सब ले लिया है, मेरी आंटी काम करके चली गई है, स्वाविक और स्वाविक के पापा भी ऐसे ही बैठे हैं, ना उन्होंने शावर लिया है ना ही वो रेडी हुए हैं, लेकिन मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। कल बहुत लेट हो गया था हमें सोने में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो बहुत ही लेट हो गया था। आज सब के सब बहुत ही लेट उठे और आज सबसे स्पेशल चीज़ हुई कि चाय बनाई आज मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने सुबह सुबह गरम गरम चाय बनाई, मुझे पिलाई, तो दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ। तो जैसे कि वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों के क्या प्लान है इन 7 डेज के मुझे बताइएगा। हमारे क्या प्लान है वो कुछ ऐसे हैं क्योंकि इस बार बहुत ही बिजी रूटीन चल रहा है। स्वाभिक के पापा का बहुत ज़्यादा ऑफिस में टाइम निकल जाता है, रात को बहुत लेट हो जाता है, तो कुछ भी हम ऐसा प्लान नहीं कर रहे हैं कि हम कहीं जाएं या कहीं घूमें। बस जो भी चीज़ें हैं वो घर में ही हम करेंगे। प्लस स्वाभिक के स्कूल भी सैटरडे से स्टार्ट हो गए हैं, कल वो पहली बार स्कूल गया था आफ्टर दिस कोरोना पीरियड, तो बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। लेकिन हाँ, जो हमने डिसाइड किया है फॉर दिस वैलेंटाइन वीक वो ये कि हम इन 7 दिनों में अपना मनपसंद खाना खाएंगे, जो भी उन्हें पसंद है, जो भी मुझे पसंद है, वो हम घर पे बनाएंगे और इंजॉय करेंगे उसे। डिनर, मोस्टली डिनर, क्योंकि हम डिनर में ही साथ होते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच तो अलग अलग हो जाता है, तो डिनर रेसिपीज हम अच्छी अच्छी बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो प्लीज व्लॉग्स के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलने वाली है जो हमें पसंद है और आई होप आपको भी अच्छी लगेंगी। आज का प्लान मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो आज 2-3 चीजें आपके लिए बहुत स्पेशल हैं इस व्लॉग में। पहली है ब्रेड रोल की रेसिपी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। सभी लोग बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं ब्रेड रोल कैसे बनते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरी है आज हम कहीं जाने वाले हैं तो जगह आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि आज संडे, आज तो जाना बनता है। लेकिन सबसे पहले तैयार करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। आलू मैंने उबलने रख दिए थे, जैसे आपको दिख रहा होगा कुकर रखा है गैस पे, तो आलू उबल गए हैं। अब फटाफट से मुझे ब्रेड रोल बनाना है क्योंकि बहुत लेट उठे थे और बहुत लेट हो भी गया है सारा काम निपटाते निपटाते, और अब लग रही है भूख, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, लेट्स गो। तो टाइम तो 12 हो चुका है, तो आज ही हमारा लंच प्लस ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रंच होने वाला है। तो सबसे पहले ब्रेड रोल बनाने के लिए आलू छील लेती हूँ मैं। मैंने बॉइल कर दिए थे ये सुबह और अभी ठंडे भी हो गए, तो इन्हें पहले छील के रख लेती हूँ। आलू छीलने के बाद आप इस तरीके से फोर्क से उसको मैश कर लीजिएगा। पूरी तरह पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़े से चंक्स उसमें रहने चाहिए। फिर आप कढ़ाई में सरसों का तेल या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो लीजिए, और इसके अंदर मैं सूखी लाल मिर्च डालूंगी। तो एक सूखी लाल मिर्च मैंने ऐसे कट कर ली है ऐसे सीजर से। अब तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, थोड़ा सा हींग डालूंगी, अ पिंच ऑफ हींग, और ये जो मैंने रेड चिली चॉप किया था वो उसमें डाल दूंगी। और उसके बाद ये आलू इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और मुझे अच्छे से ये आलू इसमें भूनने हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पाइसेस भी इसमें मैं डालूंगी। स्पाइसेस में जो मैं डालूंगी वो डालूंगी सॉल्ट स्वाद अनुसार, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें हल्दी 1/2 छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, सौंफ पाउडर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सौंफ पाउडर का टेस्ट, तो वो इसमें 1 छोटा चम्मच डालूंगी मैं। और साथ साथ इसमें डालना है मैंने अमचूर 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है, और अब इसे अच्छे से मिला लीजिए और इसे अच्छे से फ्राई करना है हमें। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें डालना है मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला और प्लस अनारदाना। अनारदाना ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, तो ये अनारदाना मैंने इसमें डालना है और इसे अच्छे से मिला लूँगी 2 से 3 मिनट तक, और इसे भूनूंगी इसी तरीके से। अब ये अच्छे से भुन गया है तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी ठंडा होने के लिए। इस तरीके से मैं एक बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी।
अब ये मिक्सचर ठंडा हो गया है तो इसमें मैं डालूंगी अनियन। ये एक अनियन है जो मैंने चॉप कर ली है, और साथ साथ ही मैं इसमें मिलाऊंगी कोरिएंडर लीव्स, इनको भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। और अब मैं हाथ से इसको अच्छे से मैश कर लूंगी। इसको बिल्कुल भी पेस्ट मत बनाइएगा, इसमें चंक्स थोड़े से रहने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, इसको पेस्ट नहीं बनाना है मैंने। और अब मैंने लिया है एक भगोने में थोड़ा सा पानी, और इसमें मैं डालूंगी दूध, और इस अब बनाने शुरू करूंगी ब्रेड रोल। तो सबसे पहले मैं ब्रेड का एक स्लाइस लूंगी, इसमें डिप करूंगी, इस तरीके से स्क्वीज कर लूंगी सारा पानी इसमें से। और अब मैं जो फिलिंग मैंने आलू की बनाई है वो इसमें ऐसे एक रोल सा बना के इसमें रखूंगी, और इसे पूरी अच्छी तरीके से बाइंड कर लूंगी। शेप आप कुछ भी दे सकते हैं, आप इसको राउंड शेप में बना सकते हो, इसे ओवल शेप में बना सकते हो। मैं इस तरीके से बनाती हूँ इसको, इस तरीके से पूरा अच्छे से फोल्ड कर करके बनाती हूँ, तो ये ब्रेड रोल शेप में एक ओवल शेप में बन जाता है, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और बहुत से लोग हैं ना ब्रेड की किनारी काट देते हैं, मैं वो किनारी नहीं काटती हूँ, क्योंकि जब वो उसको फ्राई करती हूँ ना तो उस किनारी में अच्छा सा क्रंच आ जाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं किनारी नहीं काटती हूँ, ऐसे ही इसको फोल्ड करती हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड रोल बना लेने हैं, आप लोग भी इसी तरीके से सारे ब्रेड रोल बना लीजिए, शेप आप जैसी देना चाहें वैसी दे सकते हैं। और अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और उसे अच्छे से मैंने हीट कर लिया था, गरम कर लिया था, और अब मैं उसमें एक एक करके ये सारे फ्राई करूंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है, अलट पलट करके आप फ्राई करते रहिए। और देखिए इस कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। तो मैंने ये मम्मी के लिए पैक कर दी है, मम्मी का लंच आज ब्रेड रोल ही जाने वाला है। तो फ्रेंड्स गरम गरम ब्रेड रोल बनके बिल्कुल तैयार है, और अब मैंने बनाने रख दी है चाय, इसके साथ चाय बहुत अच्छी लगती है, तो चाय बनाएंगे। और अभी स्वामी के पापा जो हैं वो मम्मी को ब्रेड रोल्स देने के लिए गए हैं, उनको भी मैंने फोन करके पूछा था कि आप ब्रेड रोल खाओगे, तो बोले ठीक है आज हम ब्रेड रोल ही खा लेंगे, तो उनका लंच भी वही हो जाएगा। तो वो ब्रेड रोल उनको देने गए, जब तक आएंगे तब तक मेरी चाय प्रिपेयर हो जाएगी। तो सावी के पापा के वापस आने के बाद हम लोगों ने अपना ये ब्रंच एंजॉय किया, बहुत ही टेस्टी बने थे ब्रेड रोल, आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, अनारदाना डालना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है बीच में वो जब वो बाइट लेते हैं और वो खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो गई हूँ, पहले हम जाएंगे मम्मी के यहाँ और फिर वहां से जाएंगे डिनर के लिए कहीं, तो मम्मी पापा भी जा सकते हैं हमारे साथ, आज पूछेंगे उनसे अगर उनका मन होगा तो वो लोग भी चलेंगे, नहीं तो हम लोग तो जा ही रहे हैं डिनर के लिए। तो चलिए पहले मम्मी के यहाँ चलते हैं और फिर डिनर के लिए जाएंगे। तो जब भी हम मम्मी के घर आते हैं तो हमारा रूटीन यही रहता है, स्वाभिक और हम लोग सब गार्डन में खेलते रहते हैं, तभी स्वाभिक और मैं हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, वो छुपा हुआ है और मैं उसे ढूंढ रही हूँ, कभी वो मैं छुप रही हूँ वो मुझे ढूंढ रहा है, तो हमने हाइड एंड सीक खेली। बहुत मज़े आते हैं बच्चे के साथ खेलने में, अपने पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं ना, बिल्कुल जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे वो सब यादें ताज़ा हो जाती हैं, कभी वो पापा को पकड़ता है कभी मुझे पकड़ता है, और ऐसे हम लोगों का पूरा दिन मम्मी के यहाँ कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत खेलते हैं हम लोग इधर गार्डन में उसके साथ, बहुत भागन दौड़ मचाते हैं पूरा दिन, मतलब हम दोपहर से यहाँ पे आए हुए हैं और शाम हो गई और हम यहीं पे ही खेलते रहे। अभी हम निकल गए हैं डिनर के लिए और शाम के बज रहे हैं 7, मैं स्वाभिक के पापा स्वाभिक और आज स्वाभिक के दादू दादी भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो हम सब अब डिनर करने जाएंगे, जहाँ जा रहे हैं वो आपको जाके पता चलेगी वहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। आज हम जहाँ आए हैं वो है क्रीम क्रेवर, और ये कैंप एरिया में है, जो भी पूना में रहते हैं वो जानते होंगे, बहुत ही अच्छी प्लेस थी,
खाना बहुत ही डिलीशियस था। मैंने बहुत सुना था इसके बारे में पर आने का कभी चांस नहीं मिला, तो आज हम लोग ने डिसाइड किया आज हम यहीं जाएंगे। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर किया था यहाँ पे रोस्टेड पापड़, मसाला पापड़, उसके साथ मंगवाई थी पाव भाजी, सरसों का साग, मक्के की रोटी और छोले भटूरे, और डेजर्ट में हमने स्ट्रॉबेरी क्रीम मंगवाई थी और रोज़ फलूदा मंगवाया था क्योंकि आज रोज़ डे था। बहुत ही अच्छी जगह थी, खाना बहुत ही अच्छा था, यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छी थी। बस एक थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट जो यहाँ पे लगा वो थोड़ा सा ये नॉइजी बहुत था, बहुत ज़्यादा शोर था क्योंकि ओपन में है। उसके अलावा बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा खाना था, प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइएगा। तो अभी अभी हम जस्ट वापस आए हैं डिनर करके और मम्मी के घर थोड़ा सा सामान रखा था वो सब लेके, और टाइम हो रहा है 9:30। तो अभी हम फटाफट से चाय पियेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे और सो जाएंगे क्योंकि भाई कल है मंडे और मंडे से फिर वही जद्दोजहद चालू है, ऑफिस, क्लास, ऑनलाइन, घर का काम एंड ऑल। तो मिलती हूँ मैं अब आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।